मुझे आज भी याद है, मैं पूरी तरह से बैंक करप्ट था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने उस टाइम पे अपने घर पे इंटरनेट लगवाया था और आज मेरी जिंदगी बदल गई। वो 5,000 रुपए मैं जानता हूं मैंने किश्तों में दिए थे उसे, और उसी से मेरी जिंदगी बदल गई। कि मेरे पास 10,000 रुपए हैं, 10,000 रुपीज है, तो मैं क्या करता? मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा दे देता हूं, 20%, ठीक है, 20%, 10% 1,000 रुपए होते हैं, 20% 2,000 रुपए होते हैं। अगर मेरे पास कोई 10,000 रुपए हैं तो मैं 2,000 रुपए जो है वो उसे मैं सेव करता, मैं सेव करके रखता इन फ्यूचर, ठीक है। और उसके अलावा मैं क्या करता, इसका 20% और मैं अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए लगाता, 2,000 रुपए मैं स्किल को डेवलप करने के लिए लगाता। यहां पर मैं इसको सेव करके रखता, सेविंग्स में रखता, ताकि अगर मुझे कभी दिक्कत हो तो मैं क्या कर सकूं, इनको यूज कर सकूं, बहुत ज्यादा जरूरी है। 20% मैं अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए लगाता, वो स्किल सीखता जिससे मैं और पैसे कमा सकूं, समझ रहे हो, एक ऐसी स्किल सीखता जिससे मैं और पैसे कमा सकूं। आप लोग याद रखिएगा, रिस्क उठाओगे तो आप नई लर्निंग सीखोगे, उसी से आप और पैसा कमाओगे। मुझे आज भी याद है, मैं पूरी तरह से बैंक करप्ट था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने उस टाइम पे अपने घर पे इंटरनेट लगवाया था और आज मेरी जिंदगी बदल गई। वो 5,000 रुपए मैं जानता हूं मैंने किश्तों में दिए थे उसे, और उसी से मेरी जिंदगी बदली है। आज मेरे घर पे 25,000 का इंटरनेट लगा हुआ है। स्पीड देख रहे हो आप मेरे साथ कितनी फ्रीक्वेंटली बात कर पा रहे हो, मैं लाइव सेशन ले पा रहा हूं और वो भी फ्रीक्वेंटली, ठीक है। तो ये स्किल, ऐसी स्किल सीखता जिससे मैं क्या कर सकता था, बेसिकली पैसे और कमा सकता था, मैं वो स्किल सीखता, समझ रहे हो। यूट्यूब पे कैसे डेवलप करें, ब्लॉगर कैसे बने, ब्लॉगर कैसे बने, आपकी जो स्किल है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है वो भी सीख सकते हो, एसईओ वर्क क्या होता है, थंबनेल कैसे बनाते हैं, बहुत सारी चीजें सिखाई जा सकती हैं। तो यहां पर ऐसी कोई स्किल सीखता जिससे मुझे पैसे कमाने का मौका मिलता, फिर मैं क्या करता, फिर उसके बाद मैं यहां पर ऑलमोस्ट 10% इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देता। इन्वेस्टमेंट, मैं 1,000 रुपया इन्वेस्ट करता फ्यूचर में। आज के टाइम पे शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। शेयर मार्केट आज के टाइम पे 2020 में तो वाकई में इतनी बड़ी गिरावट थी, अगर आपने खरीद लिया होता ना कोई एक शेयर 1,000 रुपए में, आपको क्या लगता है, आप लोग ऐसा सोचते हो कि 1,000 रुपए में क्या ही आता होगा? मैं आपको बताता हूं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज के शेयर है जो कि 1,000 रुपए में, मतलब आप उनके तीन ऐसे पैनी शेयर भी 1,000 रुपए में 1,000 शेयर भी मिल जाएंगे आपको किसी कंपनी के। आज येस बैंक है, वैसे तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन येस बैंक का एक शेयर 13 रुपए का, बताओ आप, येस बैंक तो सुना होगा आपने, 13 रुपए का एक शेयर। आप लोग सोचते 1,000 रुपए में आप लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे? यू शुड इन्वेस्ट इन इक्विटी और शेयर मार्केट। और अगर आपको रिस्की लगता है तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि आपने अपनी वर्थ का सिर्फ 10% उसमें लगाया, और आप ट्राई करो कि अच्छा शेयर खरीदो। अब आप सोचोगे अच्छा शेयर तो बहुत महंगा आता होगा, नहीं साहब गलत है। आपने आईसीआईसी बैंक का नाम सुना है? अगर आप लोगों ने आईसीआईसी बैंक का नाम सुना है, आईसीआईसीआई, आप इस पे तो ट्रस्ट कर सकते हो ना, बहुत अच्छा बैंक है। इसका शेयर 600 रुपए का है, बता, एक शेयर 600 रुपए का, खरीद के छोड़ दो। एक आपको पता है शेयर मार्केट में शेयर जो आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है किसी को गिफ्ट करना है आप गिफ्ट भी कर सकते हो, लेकिन अभी तो हमको खुद को जरूरत है। आईसीआईसी बैंक इतना बढ़िया बैंक है, उसका 600 रुपए का शेयर है, और मैं आपको बताता हूं 2020 में जो मार्केट गिरा हुआ था ये 400 रुपए का शेयर था, 200 रुपए की प्रॉफिट हुई है जिन्होंने 2020 में खरीद लिया था। अब आप सोचो, मीनवाइल सिर्फ 1,000 रुपए से इतना अच्छा रिटर्न आपको मिल रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबको समझ में आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? तो ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि शेयर मार्केट बहुत महंगा है, इतने पैसे हम कहां से लाए। चलो आप आईसीआईसी जैसे शेयर नहीं खरीदना चाहते, आप कॉपी पेन खरीदते हो, आईटीसी का शेयर 200 रुपए का, बताओ आप, मात्र 200 रुपए का, आईटीसी का शेयर मात्र 200 रुपए का। अगर आप इतना भी महंगा नहीं खरीदना चाहते छोड़ दो। आप नेशनल एल्यूमिनियम, उसका जो शेयर है वो शेयर प्राइस आप सुनकर हैरान रह जाओगे, ये गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है, ये शेयर ऑलमोस्ट 80 से 90 रुपए ही है, और जब मैंने इसको खरीदा था तो तब ये शेयर 40 रुपए का था, ये एक साल के अंदर इतनी ग्रोथ आ गई, इसके जस्ट डबल हो गया। तो हम लोग सोचते हैं ऐसा कोल इंडिया हो गया, 200 रुपए का भी शेयर नहीं है, समझ रहे हो। और ऐसी बथेरी लिस्ट है जिसमें वो पैनी शेयर्स कहलाते हैं, मैं आपको इतना रिस्क उठाने को नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी अच्छी कंपनीज है जिनके शेयर बहुत कम पैसों में मिल रहे हैं, आप रख लो अपने पास, ऐसे रख लो, ऐसा अच्छे। मैं बताऊं एक बात बताता हूं, येस बैंक से मैंने बहुत पैसा खोया है, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा कि रिस्क उठाने, रिस्क तो देखो शक्तिमान को भी उठाना पड़ता है, तुम तो फिर भी इंसान हो। और मैं आप लोगों से क्या कहूंगा, आपकी जितनी अर्निंग है उसका सिर्फ 10% आप लगाओ, बस मैं आपको ज्यादा नहीं कहता हूं, सिर्फ 10% आप म्यूचुअल फंड में लगा दो, शेयर मार्केट में लगा दो, कहीं भी लगा, तुम्हारी मर्जी। म्यूचुअल फंड ज्यादा सेफ होता है लेकिन उसमें रिटर्न नहीं आता है, इक्विटी में रिटर्न आता है लेकिन वो डिपेंड करता है, उसमें रिस्क फैक्टर भी ज्यादा होता है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो सिर्फ 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर दो बस, ठीक है। और उसके अलावा मैं क्या करता, अब देखो मैंने 2,000, 4,000, 5,000 का मैंने जुगाड़ कर दिया, फिर मैं क्या करता, फिर मैं ये करता कि खान पान में और इन सब में 20%, ठीक है, अपने अच्छे हेल्दी फूड और इन सब चीज में मैं खर्च करता, हेल्दी फूड, ठीक है, अच्छा खाना खाता मैं, कितने हो गए 7,000 रुपए। फिर आप अगर आप मानो नहीं मानो, आपके जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है उसमें भी इतना कोई पैसा नहीं लगता। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट इस वक्त दे रही है, मेरे फादर से आज मेरी बात हो रही थी, ही वो सेइंग कि आज गवर्नमेंट सिर्फ 700 रुपए में आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। आप एक बार पता करो स्कीम का, जाके आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवाओ, वो छोड़ो अगर आप गवर्नमेंट वाला भी नहीं करवा रहे हो तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस बहुत आसानी से मिल जाएगी। उसमें आपको हर महीने किश्त देनी होती है और बहुत कम पैसे होते हैं, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करा लो, क्योंकि किसी वक्त भी आपको मजबूरी पड़ी और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा और उसका बिल बन गया तो वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा, हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो कंपनी पे करेगी। ये छोटे छोटे से काम, छोटे छोटे से इन्वेस्टमेंट आपको सेव कर देगा,
आपकी लाइफ को सेव कर देगा। 20% सेविंग करता मैं, 20% स्किल को डेवलप करता, 10% इन्वेस्टमेंट करता मैं, तो इसमें रिस्क उठा लेता, 10% ज्यादा नहीं होते। 10% मैं इक्विटी या शेयर खरीदता कंपनी के अपने पास रख लेता, 20% मैं अपने हेल्दी फूड पे अप्लाई करता, बाकी बचा हुआ पैसा जो है उसमें रेंट भरता या फिर मैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेता। और मैं आपसे कहूंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराओ, इस तरह से मैं पैसे को इन्वेस्ट करता। बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और मल्टीपल रिसोर्सेज पैदा करो अपने अपने कमाने के। आप फिजिकली बाहर कमाते थे, आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू, पता है जब आप इन्वेस्ट करते हो तो एक्चुअल में आपका पैसा ग्रो हो रहा होता है। आपको लगता है, मैं आपको बताऊं, यस बैंक में ऑलमोस्ट मुझे 1,00,000 रुपए का घाटा लगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा हूं तो मैं घाटे में हूं, नहीं, मुझे अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो आप रिस्क उठाओगे तभी तो कमाओगे, अगर डर के भाग जाओगे तो कुछ नहीं होगा। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने मल्टीपल रिसोर्सेज बनाओ जिंदगी के लिए, समझ रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्वेस्टमेंट उसमें से एक रिसोर्स हो सकता है, आपकी स्किल उसमें से एक रिसोर्स हो सकती है। लोग पैसे से पैसा कमाते हैं, आपका पैसा भी आपको पैसा कमा के दे सकता है, पर उसके जरिए बनाओ। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, ठीक है, या इसके अलावा अपना ऑनलाइन बिजनेस आप खुद से शुरू कर सकते हो, उसके भी रिसोर्सेज, अपना ऑनलाइन कोर्स, अपना ऑनलाइन बिजनेस आप शुरू कर सकते हो, बहुत अच्छा। रियल एस्टेट में देखो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, तो मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन ये दो चीजें तो आप बहुत कम पैसों में शुरू कर सकते हो। दैट्स वेरी इजी, बहुत आसान है।